ठीक होने नहीं, अब साफ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, सारा साफ हो गया। ये कांग्रेस कांग्रेस बची है, फुल कराऊंगा जगह, बाकी बड़े में सारा करवा दें। अच्छा, और अठे जगह लोग सीएम बने बैठे, झूठा ही मुख्यमंत्री बने, रात ने तो सपने में आधी रात ने मुख्यमंत्री बन दिए, फिर आधी रात बाद में फिर सपनों पुठा उतर गए एक सीट पर आ जाए। और जिस बीजेपी को गाली निकालते थे, आज क्या बाबा बीजेपी बहुत तकड़ी है, तो आज तकड़ी कुकर हुई, लोग साथ समझे। रेरे मट्टी करिए, पिछले 10 साल में हरियाणा की जगह किसान ने बुरे तरीके से मारे हुए, बेटियां ने सड़कों पर जगह तरीके से घसीटी है, जो को बदतमीजी हुई है, सबको बदलो लेने को चुनाव है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे, मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निर्बाण गांव में, जहाँ पे आपको बता दें कि भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, जनसंपर्क अभियान के मद्देनज़र जो है वो घर घर जा करके, ढाणियों में जा करके जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक ढाणी में पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद भरत सिंह बेनीवाल का बहुत भव्य स्वागत जो है वो फूल मालाएँ पहना करके लोगों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो गाँव में जिस तरह से पहुँचे तो भरत सिंह बेनीवाल का भव्य स्वागत किया गया, और ढाणी में जिस प्रकार से पहुंचे तो भरत सिंह बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो हमें यहाँ पे उपस्थित दिखाई दिए हैं। फूल मालाएं पहना करके भरत सिंह बेनीवाल का भव्य स्वागत जो है वो गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ अगर बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल को मजबूती देने के लिए कुणाल भादु और मंगेश चौधरी, कॉमरेड मंगेश चौधरी भी जो है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिएगा भरत सिंह विधायक, भरत सिंह जी से बातचीत करते हैं। विधायक जी, कैसा चल रहा है इलेक्शन? आप देख लो बढ़िया, छोटी छोटी सभा है, भाई इतनी मोटी होने लगी है, गांव का सजील सा होने लगे है, तो देखेंगे। ठीक है, तो के विचार लग गए जी, अब आना टाइम है, अभी तक कोई किंतु परंतु बाकी रह रही है की? ठीक होने रही है, साफ हो रहे है, सारा साफ हो रहे है, सारा साफ हो गया, ये कांग्रेस कांग्रेस बची है, सारा साफ हो गया। ठीक है, हुड्डा साहब भी आगे के गया, अभी तकड़ो आदमी आत्म रोड के काम करवा ले, तो भी फर्क देखे अच्छी बावली बात कर नहीं, तो भी कोई फर्क पड़े हुए लोग मानना भी यहाँ काम करवा लेगा तो सदा ही मानना यार, कहीं कौन मानना, मैं कराया कहीं काम बंद हो कहते बिल्लू ने कहते मेरी सरकार कौन, मैं कहीं कहे हो कहीं मैं कौन कौन। ठीक है, अपन जी फिर अब कड़ा सरकार आने लग रही है जी, के लग है कि कितना काम करवाना है, काम फुल कराऊंगा जगह बाकी पड़े बस सारा करवा दें। अच्छा, चलिएगा, अभी मंगेश चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मंगेश जी, कैसा रुझान आपको देखने को लग रहा है? सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे जो चैनल वाले जो सीधे साधे किसानों के परिवारों की आवाज़ को आप मतलब उठा रहे हो। दूसरी बात, चुनाव का माहौल ये है कि हरियाणा में 2 प्रकार का चुनाव है। हरियाणा में एक तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस, हमारी पार्टी सीपीएम को भी एक भिवानी सीट मिली है, लोग एक तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते, दूसरी बीजेपी और बीजेपी के जगह अंडरग्राउंड सेटिंग करना चाहो, बस सगड़ा लोगों ने सल्टानी चाहे हरियाणा की आम जनता सगड़ी सगड़ी, जो को खेती करने वालों आदमी है, जो को कार करके खानी चाहे, जो को मेहनत की कमाई खानी चाहे, वह तमाम लोग आता है कि बीजेपी को लेरो चुटावा। अब देखिए इलाहाबाद सीट की है हालात, इलाहाबाद सीट के ऊपर भरत सिंह जी के सामने जो उम्मीदवार है अभय सिंह, वो बीजेपी की बी टीम है, ये मैं नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है, आप किसी भी से आप पत्रकार हो, किसी भी एक सीधे साधे नौजवान जो तीसरी में पढ़ता है उसको पूछ लेना, वो कहेगा कि बीजेपी की बी टीम है। जो जो गोपाल कंडा जो किसानों को काली भेड़े गा रहा था, और जो भी किसान जो खेती करता है उसको बड़ा दर्द हुआ, काली काली भेड़ अपने आप को कोई सुनना नहीं चाहता, और खेती करने वाला आपका परिवार है, खेती करने वाला मेरा है, जो भी खड़े हैं सब खेती करने वाले लोग हैं, बटन दबन खतर जाएगा नहीं, लोग दलियो काट देगा बटन को, याद रखिए इतो को सुतो दबेगा, रिजल्ट बहुत खतरनाक आओगे। और अठे जगह लोग सीएम बने बैठे, झूठा ही मुख्यमंत्री बने, रात ने सपने में आधी रात ने मुख्यमंत्री बन दिए, फिर आधी रात बाद में फिर सपनों पुठा उतर गए एक सीट पर आ जाए, बंगी जिसकी हालात बहुत खराब होनी है, मुख्यमंत्री बनना तो बोली दूर है, खुद की सीट बीत जाएगी हाथ से, यानी लड्डू आज ही अंग दोनों के नहीं, आज जेजेपी इन लो दुकान बंद होनी है, मतलब मंगल होगी, आ याद रखना बात। और जेजेपी के लिए मेरी ये घोषणा है, पहले भी मैं एक बार किसान आंदोलन में आया था तब मैं करके गया था घोषणा, मैं कि आने वाले समय में अगर जमानत बचा लेना कोई नेता, जमानत बचाना तो बड़ी बड़ी बात हो, जमानत 30-40 हज़ार वोटा देता है, बिंग है उच्चाने सीटों बिंग आप अगर वोट 4,500 आएगा, 2,000 वोट गलती पड़ जाए, 2,500 वोट है पेवर अब से ठीक है, और बाकी है जगह इन्हें लोग बाकी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, बाकी भी आई हालात होनी, अब धीरे धीरे रूमर बने हुए, लोग समझने लगे कि यार भाई आप 4G वोट क्या दिया बीजेपी ने, बिहार ने दियो तो बीजेपी ने दियो, और बीजेपी ने दियो तो आन दियो, लोग समझे ऐसा बात गूंगा थोड़ी, आजकल सोच रहे
मीडिया जमानो है, पढ़े लिखे नौजवान है, सब बात समझे। अभी भाजपा ने ही वोट देने आने देना गो, मतलब कंडे ने आप गाल काटता कंडो गई बीते हुए आ कहता बिल्लू आप कहते हो कितने भाषण बता दें आज कंडो अच्छो कुकर हो गयो भी खातर लिटरिया कुकर है आवाम जाके वोट कुकर मांगते फिर किए मुँह से मांगी जाए बंगनी वोट। और जिस बीजेपी को गाली निकालते थे आज क्या भाव, बीजेपी बहुत तकड़ी है तो आज तकड़ी कुकर हुई, लोग साथ समझे इस सीट से भी हारेंगे और पूरे हरियाणा से साफ होंगे। ठीक है, मुद्दे अगर बात करें तो मंगेश जी आप भी गांव गांव जा रहे हो विधायक जी के साथ, पूर्व विधायक के साथ, तो मुद्दे क्या बता रहे हैं? मुद्दे खेती के अंदर एक सबसे बड़ो मुद्दो है वो किसानों ने फसलों को भाव मिले, सबसे बड़ो। दूसरो गाँव में आज भी है क्या, हरियाणा में बहुत विकास हो गया, आज भी गाँव में कादो पड़ी हुए, व्यवस्था वहाँ खराब है गाँव की, नौजवानों ने नौकरी को नहीं मतलब मिलने ला रही, भ्रष्टाचार को बहुत बुरो आलम है। आज किसी सरकारी दफ्तर में मतलब जाके मृत्यु प्रमाण पत्र माड़ी चीज के हुए वाह बनाने खतरे रिपिया लगे, तो फिर बताओ इन शू माड़ी हालात के उसी के काम करी हुए सरकार, वो एक काम गिना हुआ जो मैं वो काम कर दियो। ए मुद्दा है सबसे मूल मुद्दा तो हरियाणा तो मतलब खेती है, हरियाणा का मतलब भी खेती है, तो खेती का स्टेट है ये, तो यहाँ मूल तो है भी खेती को अच्छे भाव मिले, किसानों पर जुल्म नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, हरियाणा एक जिस शान जो हरियाणा की होती थी वो शान वापस हरियाणा की लौटे। आज हरियाणा ने जो को जकी रेरे मट्टी करी है पिछले 10 साल में हरियाणा की, जगह किसान ने बुरे तरीके से मारे हुए, बेटियां ने सड़कों पर जगह तरीके से घसीटी है, जो को बदतमीजी हुई है, सबको बदलो लेने को चुनाव है कि किसान जो को है वो डांग धरे बैठी हुए सामने को काट रखी माली साड़ में मेल रखी, चुनाव हर दिन काटेगा। ठीक है, काट देगा लोग बदलो ले लेगा, थे देख लियो बटन थे 9 बजे थारो वोट कौन से हल्के में काली में थे काली में 9 बजे से बटन चेक कर लियो जो बटन आधो अंगल डूंगो हेड़ो नहीं लाद मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है।